भारतीय बल्लेबाजों को पाकिस्तान के बॉलिंग अट्रिक के सामने क्यों होती है दिक्कत, शुभम गिल ने बताई वजह। एशिया कप में रविवार 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। इस मुकाबले से पहले शुभम गिल ने पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पर बड़ा बयान दिया है। भारत पाकिस्तान दोनों टीमें सुपर चार राउंड में एक बार फिर आमने सामने होंगी। इससे पहले लीग स्टेज में दोनों के बीच मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन उसमें जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज का बोलबाला रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय ओपनर शुभम गिल ने पाकिस्तान के पेस अटैक को लेकर बड़ा बयान दिया है। शुभम गिल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा नहीं खेलने के कारण शाहिनशाह अफरीदी और हरीश रॉफ जैसे गेंदबाज का सामना करना चुनौतीपूर्ण होता है। भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को अफरीदी के अंदर आने वाली गेंदों पर परेशानी होती है। गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले जाने वाले सुपर चार के मैच से पहले कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ उतने मैच नहीं खेलते हैं जितना हम अन्य टीमों के साथ खेलते हैं। हम सभी जानते हैं ये गेंदबाजी आक्रमण काफ़ी अच्छा है, और जब आप अक्सर ऐसी गेंदबाजी के खिलाफ नहीं खेलते हैं तो बड़े टूर्नामेंटों में थोड़ा फर्क पड़ता है। भारत और पाकिस्तान की टीमें विश्व कप और एशिया कप जैसे टूर्नामेंटों में ही एक दूसरे का आमना सामना करती हैं। गिल ने कहा कि वह खासकर शाहिन की चुनौती से निपटने के लिए बाएं हाथ के थ्रो डाउन विशेषज्ञ नुवान के खिलाफ अभ्यास पर भरोसा कर रहे हैं। नुवान पिछले 7-8 वर्षों से हमारे साथ हैं, ये विधिवत होना अच्छा है। गिल ने कहा, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज काफ़ी अलग तरह के हैं, उनकी अपनी एक खासियत है। शाहिन गेंद को काफ़ी स्विंग कराते हैं, नसीम सा गति पर ध्यान देते हैं और उन्हें विकेट में मदद मिलती है। वे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की चुनौतियाँ पेश करते हैं। गिल ने रोहित के साथ अपनी साझेदारी को अहम करार देते हुए कहा, रोहित ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजों को अधिक हवा में खेलना पसंद करते हैं और मुझे पावर प्ले में ज़मीनी शॉट खेलना पसंद है। यह संयोजन हमारे लिए अच्छा काम करता है। हम शॉट चयन और परिस्थितियों से निपटने के मामले में अलग अलग तरीका अपनाते हैं। गिल ने बताया कि मैंने और रोहित शर्मा ने इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से पहले स्विंग गेंदबाजों के खिलाफ काफ़ी प्रैक्टिस की है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में रोहित शर्मा और शुभम गिल में कौन सा खिलाड़ी अपना बेस्ट देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।